Good evening, everyone. You don't have to lift a finger to manifest all your dreams and desires. Yes, my dear friend. आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि कैसे एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं और मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं. ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सब्जेक्ट है उनके लिए जो कि उस सुप्रीम लॉ को या उस डीप अवेयरनेस को जानते हैं कि हमारा माइंड क्रिएटिव फोर्स है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्रिएटिव फोर्स इन द यूनिवर्स. इट कैन क्रिएट एनीथिंग. हम कितनी भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं उसको यूज करके. अगर वो जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हो वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो उनको तो ये वीडियो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारा बहुत लंबे टाइम का बिलीव बना हुआ है. बट माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि ये साबित कर देंगे कि आपको सच में कोई फिंगर भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी हो जाते हैं. गुड इवनिंग एवरीवन. आज की वीडियो में मैं आपको एक थोड़ा सा हो सकता है डायरेक्ट स्ट्रेट आपके माइंड में ये चीज ना जाए, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स क्रिएट हों, क्योंकि ये बेसिक हमारा हमारी प्रोग्रामिंग रहती है सबकॉन्शियस माइंड की, कि हमको काम करने के बाद ही रिजल्ट मिलते हैं. और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यू डू नॉट हैव टू लिफ्ट अ इवन सिंगल फिंगर टू डिजायर टू फुलफिल योर ऑल डिजायर और टू मैनिफेस्ट एनीथिंग यू वॉन्ट इन योर लाइफ. तो ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है और ये सच में होता है क्या, इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको मैनिफेस्टेशन के लिए फिंगर भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाओगे, मैं इसमें तीन चीज़ें आपको बताऊंगी. पहला एक कॉन्सेप्ट है जो कि नेवल गोडार्ड ने दिया है और उन्होंने ही इस चीज़ को एम्फेसाइज किया है, बार बार बताया है. जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एजम्पशन, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, वो इस चीज़ को भी जानते हैं कि अगर नेवल गोडार्ड ने बताया है कि उनकी एक बुक है, उसकी ऑडियो वर्जन मैंने जो सुना है, द लॉ एंड द प्रॉमिस, तो उसमें भी उन्होंने बोला है कि इफ़ यू एज्यूम एनीथिंग, आपके ड्रीम डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल्ड है और उसको आपने एज्यूम कर लिया कि ये सच में ट्रू है, ट्रू मान लिया, देन इट विल बिकम योर रियलिटी विदाउट डूइंग एनी एक्शन. आपको कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो ड्रीम डिज़ायर आपके सामने फुलफिल्ड होके आ जाएगी. दूसरा, रोंडा बर्न ने भी कई बार इसको बताया है, सीक्रेट मूवी में भी बताया और उनके वीडियो में भी आप कई बार देखना, जो सीक्रेट मूवी की ऑथर है और उसकी मूवी की डायरेक्टर भी हैं और क्रिएटर भी हैं. तो वो भी ये बोलती हैं कि आपको अगर आपने उस चीज़ को मान लिया है, यू नो यू हैव इट, तो आप एक बंद कमरे में भी रहोगे तो भी बिना किसी एक्शन के वो चीज़ आपके पास आ जाती है. तो ये उन दोनों के ही स्टेटमेंट है, एजम्पशन है, एक्सपीरियंस है. और मैं इसको जो समझती हूँ कि आपको मैनिफेस्टेशन के लिए एक फिंगर भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके पीछे दो कॉन्सेप्ट या दो चीज़ें जो मैंने एज्यूम की कि अगर हम इस स्तर तक अपना कॉन्शियसनेस का लेवल इतना बढ़ा सकते हैं तो सब कुछ संभव है. तो पहला जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट जाता है वो ये है कि, और ये सच है, ऑल क्रिएशंस आर डन एंड वी आर वन विद द क्रिएशन. हम दुनिया में सब चीज एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी, हम जो चीज चाहते हैं उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, हम हमारी भी फ्रीक्वेंसी, हमारे विचारों की भी फ्रीक्वेंसी है और हम जो सोच रहे होते हैं, जो फील कर रहे होते हैं, उसी तरह की सेम हम एक्शन ले रहे होते हैं, वैसे ही हमको रिजल्ट मिल रहे होते हैं. तो जब हम अपने फीलिंग्स को, विचारों को जब हम चेंज करते हैं तो हमारी मटेरियल चीज़ें भी चेंज होने लगती हैं धीरे धीरे, क्योंकि सब कुछ क्या है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है. तो और जो कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है कि हम कॉन्शियसनेस हैं और कॉन्शियसनेस में, अगर कॉन्शियसनेस मतलब जानना, यानी हर चीज़ कॉन्शियसनेस है. मान लो जैसे आपको अपना नाम, आपका नाम याद है, मतलब आप कॉन्शियसनेस से वो चीज़ जान पा रहे हो कि हाँ आपका घर कहाँ है, आप
कहाँ रहते हो, क्या है, ये सारी चीजें कॉन्शियसनेस ही है। तो हर चीज जो भी आप कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, वो सब कुछ कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस में अगर आपने ये एज्यूम कर लिया कि ये चीजें मेरे पास हैं और उसको एज ए ट्रू एक्सेप्ट कर लिया, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में एज इट इज जाता है और रियलिटी बन जाता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ऑल क्रिएशंस आर डन, प्रकृति में जो भी चीज चाहिए वो सब कुछ ऑलरेडी, सारी चीजों का क्रिएशन हो चुका है, चाहे पैसा हो, गाड़ी हो, घर हो, जॉब हो, कोई भी मटेरियल चीज हो, वो ऑलरेडी क्या है, क्रिएटेड है। और हम वी ऑल आर वन, एक लेवल पे हम वन है। तो ये तो बिल्कुल सच है कि आप जो चाहते हो वो ऑलरेडी बन चुका है। अब दूसरी बात, वो आपके पास कैसे आएगा और आपको बिलीव कैसे चेंज करना है उसको लेके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब, फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम, हमारी जो बॉडी, हमारा जो शरीर है वो सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स है या आत्मा है, सुप्रीम पावर है। और हमारी डिफरेंट डिफरेंट रियलिटी, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन, समझ लो ये उंगलियां हैं। मान लो अभी आपकी जो रियलिटी है, जो आप जैसी लाइफस्टाइल है, आप जो हो, जैसे आपके विचार हैं, वो ये है अभी की। और आप जो चाहते हो वो रियलिटी ये वाली है, ये अदर और भी आपकी रियलिटी है, बहुत सारी हैं। आप जिसमें जीने लगोगे, जिसको सोचने लगोगे, वही आपकी रियलिटी हो जाती है। तो क्या ये रियलिटी और ये रियलिटी आपके सोर्स से या आपसे अलग है? नहीं है। आप अभी ये हो, आपको बनना ये है, आप अपने जीवन में जो व्यक्ति चाहते हो वो ये है कि लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, सुख समृद्धि होना चाहिए, शांति होना चाहिए, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। तो वो रियलिटी भी यही है, ये रियलिटी जो अभी आप जी रहे हो वो भी यही है। दोनों के बीच डिफरेंस है, दोनों के बीच कोई ब्रिज नहीं होता कि आप यहां से यहां चले जाओगे। बस आपको इसको पूरी तरह से छोड़ना है और इसमें जीना शुरू करना है। और किसके थ्रू करोगे? ये जो पूरा शरीर हमारा जो है, ये सोर्स है, मतलब हम उसी सोर्स से हम ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं। तो जब आप इस रियलिटी को एज्यूम कर लोगे, उसमें ही जीने लगोगे, तो फिर क्या होना है, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्शियसनेस ने आपकी वही पहचान बना ली है, वही रियलिटी है, उसी को वो सच मान रहा है। तो आपको फिंगर भी लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काम आपके होने लगेंगे। कैसे होंगे वो भी मैं अब नेक्स्ट बताती हूँ। ये सारी चीजें तो सभी राइटर्स की, ऑथर्स की थी। अभी मुझे जो समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि बिना किसी एक्शन के, भले आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना पड़े, बट समथिंग यू हैव टू डू टू गेट एनीथिंग, या आपको कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत जो भी इंस्पायर्ड एक्शन लेना पड़ता है। तो मुझे जो लगता है, ये मेन कॉन्सेप्ट ये है जो चाइनीज रिलीजन का एक टाओइज्म, ये आपने शब्द नहीं सुना है तो गूगल में जाके देखिए, या वीडियो आप टाइप कीजिए टाओइज्म, तो बहुत सारे वीडियो पॉपअप होंगे, आप उसको सुन सकते हो कि ये क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे इस कॉन्सेप्ट से मिलता है। टाओइज्म में होता है कि आपको एफर्टलेस एक्शन लेना है, मतलब आप काम करोगे पर आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने काम किया। नेचुरल फ्लो में जब आप काम करते हो तो काम हुआ ऐसा पता ही नहीं चलता है, एफर्टलेस होता है। मतलब आपको अगर फिंगर उठाने में थोड़ा सा दिमाग भी आपका चलता है, और दूसरी बात आपको लगता है कि हाँ थोड़ी मेहनत है, पर टाओइज्म उससे बिल्कुल सिमिलर है कि आपको लिफ्ट, उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब काम होंगे और हर चीज मैनिफेस्ट होगी। बट उसके लिए आपको अगर कोई एक्शन लेना है तो वो आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू लोगे कि जब फ्लो में आप रहोगे तब जो आप एक्शन लोगे वो एफर्टलेस होगा, और इतना एफर्टलेस होगा कि नेचुरली आप अपने आप से हो जाएगा। कई बार बोलते हैं, अरे मैंने ये कैसे कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि इतना एफर्टलेस एक्शन होता है, वो इंस्पायर्ड एक्शन होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो कब हो गया। तो माय डियर फ्रेंड, आपको कोई भी चीज अगर मैनिफेस्ट करना है तो ये दोनों तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। एक जो नेवल गोडार्ड का है कि अगर आप किसी चीज को एज्यूम करने की का बिलीव बना लेते हो, अवेयरनेस कर लेते हो, इतना डीपली उसमें आप एम्बॉडी कर लेते हो, या इतना डीपली उसमें आप क्या बोलते हो उसको, जीने लगते हो, तो आपको सच में एक फिंगर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑल मैनिफेस्टेशन इज डन और ऑल विशेस विल फुलफिल्ड।
और दूसरी चीज जो रोंडा बर्न बोलती है, एवरीथिंग इज अवेयरनेस. अवेयरनेस में अगर आपने उसको मान लिया तो भी आपको कोई फिंगर तक भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती और विश फुलफिल्ड होती है. और जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो टाओइज्म का है. मतलब अगर आपने अज्यूम कर लिया कि ये चीज मेरे पास है, ये है, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, मैं ऐसे बातें करता हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके पास ये सब चीजें हैं, तो आपको उस व्यक्ति के विजडम के अकॉर्डिंगली या अवेयरनेस के अकॉर्डिंगली कुछ इंट्यूशंस मिलते हैं और वो व्यक्ति जो काम कर रहा होता है एफर्टलेसली वो चीज़ें आपके थ्रू होती हैं और वो काम आपको काम लगता ही नहीं है. इसलिए उसको बोलते हैं कि कोई काम है ही नहीं, वो बिना कुछ किए वो चीज़ें आपके पास आने लगती हैं. तो माय डियर फ्रेंड, मुझे जो लगता है वो ये है कि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको इंट्यूशंस पे ध्यान देना चाहिए, अपनी फीलिंग पे ध्यान देना चाहिए. और आप जो भी काम कर रहे हो अगर फ्लो में हो रहा है, यूनिवर्सल फ्लो में हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वो काम आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने काम किया ही नहीं और बिना काम किए वो चीज़ें आपके जीवन में आएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा मैंने कुछ किया ही नहीं, जबकि वो काम आपके थ्रू अपने आप ही हो जाता है. इसलिए लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ, बट वो इंस्पायर्ड एक्शन, एफर्टलेस एक्शन, नेचुरल फ्लो में जो एक्शन लेते हैं वो एक्शन क्या कह सकते हो रिक्वायर्ड है या वो होते हैं, तब मैनिफेस्टेशन होते हैं. आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको बिना किसी बहुत मेहनत के या बिना किसी रेजिस्टेंस के आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो. क्योंकि जब हम बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं तो हम क्वाइट रहता है हमारा माइंड और फिर हम जो भी जहाँ भी फोकस डालते हैं, ज्यूम करते हैं उसको, वो चीज़ें हमारे जीवन में हमारी वास्तविकता बन के आने लगती हैं. और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आपको ये दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है. एज्यूम कि वो चीज़ ऑलरेडी है, ऑल विश आर फुलफिल्ड, इस प्रैक्टिस को कीजिए और देखिए बहुत जल्दी ये जीवन में आपकी रियलिटी बन के आता है. और हम मिलेंगे कल के वीडियो में. तब तक गुड बाय.